सो हाई गाइज एंड वेलकम टू दिस वीडियो सो गईज़ आज हम लोग बात करने वाले हैं इप मैन सेवन मूवी के बारे में सो गईज़ यह जो इप मैन सेवन है यह एक अपकमिंग फिल्म होने वाली है इस फ्रेंचाइजी की सेवन फिल्म होने वाली है एंड यह चाइना की एक बहुत ही पॉपुलर मूवी सीरीज़ इप मैन मूवी सीरीज़ की एक सेवेंथ इंस्टॉलमेंट के रूप में हमें देखने को मिलेगी जो कि इस सच्ची घटनाओं पर आधारित इपमैन नाम के एक व्यक्ति जो कि चाइना में रहते हैं मार्शल आर्ट्स के टीचर थे जिन्हें जिन्होंने ब्रूसली को भी मार्शल आर्ट्स सिखाई थी इनका जो जन्म है वो फर्स्ट अक्टूबर 19 सॉरी 1893 और इनकी जो मृत्यु है 79 की एज में सेकेंड दिसंबर 1972 में हांगकांग में हुई थी अब मैं आपको इनकी अन्य मूवीज़ के बारे में बताना चाहूँगा जिससे आपको यह अंदाज़ा लग जाएगा कि यह मूवी कितनी शानदार हो सकती है या फिर आप इस मूवी से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं इसकी अभी तक में पांच मूवीज़ तो रिलीज़ हो चुकी हैं जो हैं इप मैन जो कि 2008 में आई एंड जो कि अपने बाद तीन सीक्वल्स और लाई जिसे अप मैन टू टू थाउजेंड टेन मैन थ्री टू एंड इसके अलावा अपमैन फोर द फाइनल 2019 में आई इसी के साथ इसकी जो है स्पिन ऑफ मास्टर जैड अपम लेगेसी 2018 में आई थी एंड अगर हम बात करें इस की कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स के बारे में जैसे कि इसके डायरेक्टर एंड राइटर कौन कौन थे तो अगर हम बात करें इसकी फर्स्ट मूवी के डायरेक्टर हैं विल्सन ये एंड यू एन पिंग और अगर हम बात करें इसकी कलेक्टिव रूप में तो इसके जो फर्स्ट मूवी है एंड थर्ड मूवी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड मूवी इनके जो हैं डायरेक्टर रहे हैं विल्सन येप एंड फिफ्थ मूवी के भी डायरेक्टर आल्सो विल्सन गिप हैं एंड फोर्थ मूवी है, है यू एन वू पिंग ने डायरेक्ट की है इसके राइटर्स के बारे में अगर हम देखें तो इसकी जो फर्स्ट मूवी से लेकर फिफ्थ मूवी है वहाँ तक एक राइटर इसमें स्टेबल रहे हैं एडमंड वोंग एंड चान ताईली इसमें एक तो फर्स्ट मूवी उन्होंने लिखी है एंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ मूवी उन्होंने लिखी है एज ए राइटर उन्होंने काम किया है एंड एक इंडिविजुअल राइटर है जिन्होंने सिर्फ थर्ड मूवी में काम किया जिनका नाम है जिल लेओंग एंड इसके अलावा दो इंडिविजुअल राइटर्स हैं जिन्होंने सिर्फ फिफ्थ मूवी में काम किया उसमें आते हैं डाना फुकाजावा और जिल लेंग लाई एंड यह मूवी मैन के कैरेक्टर्स पर कैरेक्टर पर बेस्ड है जो कि एक रियल लाइफ कैरेक्टर हैं एंड इसके डायरेक्टर्स रहे हैं रैमंड वॉन्ग डोनी येन एंड विल्सन ये इसमें मेन तो जो कैरेक्टर है उनको प्ले किया है डोनी येन ने ए, इस इन्होंने फोर्थ मूवी में काम नहीं किया बाकी फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फिफ्थ मूवी में इन्होंने ही उस कैरेक्टर को प्ले किया है एंड अगर हम बात करें इस मूवी के सिनेमाटोग्राफर के बारे में क्योंकि इस मूवी को अपने बहुत ही शानदार सिनेमेटो इफेक्ट्स के लिए भी जाना जाता है तो फर्स्ट मूवी के सिनेमेटोग्राफर हैं ओ सिंग पुई सेकेंड मूवी के है पून, हैं पून हैंग संग थर्ड मूवी के कैनिथ से एंड फिफ्थ मूवी के चेंग से यू क्यों एंड अगर हम बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की तो उसमें आते हैं ड्रीम्स सेलून एंटरटेनमेंट कल्चर पैगस मोशन पिक्चर्स राइर स्टार ब्राइट कम्युनिकेशन सुपर हीरो फिल्म ऑरेंज स्काई गोल्डन हार्वेस्ट मैंडरिन मोशन पिक्चर्स एंड लाइट पिक्चर्स यंग एंड लाइट प्रोडक्शंस एंड इसी के साथ टेन टेन फिल्म प्रोडक्शन जिन्होंने फिफ्थ मूवी प्रोड्यूस की है एंड इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में बात करें तो फर्स्ट एंड सेकेंड मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं मैंडरन फिल्म थर्ड मूवी के पैगसस मोशन पिक्चर्स फोर्थ मूवी के यूनिवर्सल स्टूडियोज एंड फिफ्थ मूवी के हैं वेल गो यू एस ए इसकी जो रिलीज़ डेट है वह टू थाउजेंड एंड एट से लेकर अभी तक चल रही है क्योंकि इसकी जो सेवेंथ मूवी आने वाली है वो हमें बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी एंड इसकी जो है अगर हमें इसकी पांचों मूवीज़ देखनी है तो उसका कलेक्टिव रन टाइम है फाइव हंड्रेड एंड थर्टी फोर मिनट्स का एंड इसमें जो है हमें चाइनीज़ लैंग्वेज देखने को मिलती है काफ़ी हद तक एंड ऑब्वियसली यह इंग्लिश में तो अवेलेबल है ही सही एंड इसका जो बजट रहा है कलेक्टिव फाइव फिल्म का वो फो वन हंड्रेड एंड फोर्टी मिलियन डॉलर्स का रहा है एंड बॉक्स ऑफिस पर इन पाँचों मूवीज़ का कलेक्टिव ग्रॉस कलेक्शन रहा है फोर हंड्रेड एंड ट्वेंटी सिक्स मिलियन डॉलर्स एंड आई पी मैन जो फाइव है उसकी अनाउंसमेंट मैंडरिन मोशन पिक्चर्स के द्वारा कैनन फिल्म फेस्टिवल में की गई थी एंड डियोन येन यन ने बताया कि हर फिल्म अपने एक यूनिक थीम के साथ आती है जैसे कि फर्स्ट अपमैन फिल्म सर्वाइवल के सेकंड अपमैन फिल्म ने फोकस किया था मेकिंग लिविंग एंड पे थर्ड ने फोकस किया है लाइफ इट्सल्फ यानी खुद की लाइफ पर फोर्थ फिल्म को इप की फोर्थ फिल्म में की डेथ के साथ आखिरी फिल्म बताया गया था लेकिन फिफ्थ फिल्म मे ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में रिलीज हुई थी जो कि इसकी एक स्पिन स्पिन ऑफ ऑफ सीरीज मूवी थी तो अब इस मूवी से रिलेटेड और कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन तो नहीं आई है अगर आती है तो मैं उस पर वीडियो जरूर से बनाऊंगा तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन को ऑन कर लें और अगर इस मूवी से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें मैं उनके जवाब ज़रूर से दूंगा और अगर इससे रिलेटेड कोई थ्योरी या कोई प्रडिक्शन है कि ए, एक सेवेंथ इंस्टॉलमेंट के रूप में हमें देखने को मिलेगी जो कि इस सच्ची घटनाओं पर आधारित है इपमैन नाम के एक व्यक्ति जो कि चाइना में रहते हैं मार्शल आर्ट्स के टीचर थे जिन्हें जिन्होंने ब्रूसली को भी मार्शल आर्ट्स सिखाई थी इनका जो जन्म है वो फर्स्ट अक्टूबर नाइनटीन सॉरी एटीन थ्री को और इनकी जो मृत्यु है सेवेंटी नाइन की एज में सेकेंड दिसंबर नाइनटीन सेवेंटी टू में हांगकांग में हुई थी अब मैं आपको इनकी अन्य मूवीज़ के बारे में बताना चाहूँगा जिससे आपको यह अंदाज़ा लग जाएगा कि यह मूवी कितनी शानदार हो सकती है या फिर आप इस मूवी से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं इसकी अभी तक में पांच मूवीज़ तो रिलीज़ हो चुकी हैं जो है इप मैन जो कि 2008 में आई एंड जो कि अपने बाद तीन सीक्वल्स और लाई जिसे अपमैन टू टू थाउजेंड टैन अपम थ्री टू एंड इसके अलावा मैन फोर द फाइनल 2019 में आई इसी के साथ इसकी जो है स्पिन ऑफ मास्टर जैड अपमैन लेगसी 2018 में आई थी एंड अगर हम बात करें इस की कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स के बारे में जैसे कि इसके डायरेक्टर एंड राइटर कौन कौन थे तो अगर हम बात करें इसकी फर्स्ट मूवी के डायरेक्टर हैं विल्सन ये एंड यू एन पिंग और अगर हम बात करें इसकी कलेक्टिव रूप में तो इसके जो फर्स्ट मूवी है एंड थर्ड मूवी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड मूवी इनके जो हैं डायरेक्टर रहे हैं विल्सन यिप एंड फिफ्थ मूवी के भी डायरेक्टर आल्सो विल्सन यप हैं एंड फोर्थ मूवी है यू एन वू पिंग ने डायरेक्ट की है इसके राइटर्स के बारे में अगर हम देखें तो इसकी जो फर्स्ट मूवी से लेकर फिफ्थ मूवी है वहाँ तक एक राइटर इसमें स्टेबल रहे हैं एडमंड वोंग एंड चान ताईली इसमें एक तो फर्स्ट मूवी उन्होंने लिखी है एंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ मूवी उन्होंने लिखी है एज ए राइटर उन्होंने काम किया है एंड एक इंडिविजुअल राइटर है जिन्होंने सिर्फ थर्ड मूवी में काम किया जिनका नाम है जिल ले एंड इसके अलावा दो इंडिविजुअल राइटर्स हैं जिन्होंने सिर्फ फिफ्थ मूवी में काम किया उसमें आते हैं डाना फुकाजावा और जिल लेंग लाई एंड यह मूवीप मैन के कैरेक्टर्स पर कैरेक्टर पर बेस्ड है जो कि एक रियल लाइफ कैरेक्टर हैं एंड इसके डायरेक्टर्स रहे हैं रैमंड वॉन्ग डोनी येन एंड विल्सन ये इसमें मेन तो जो कैरेक्टर है उनको प्ले किया है डोनी येन ने ए, इस इन्होंने फोर्थ मूवी में काम नहीं किया बाकी फर्स्ट सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ मूवी में इन्होंने ही उस कैरेक्टर को प्ले किया है एंड अगर हम बात करें इस मूवी के सिनेमाटोग्राफर के बारे में क्योंकि इस मूवी को अपने बहुत ही शानदार सिनेमेटो इफेक्ट्स के लिए भी जाना जाता है तो फर्स्ट मूवी के सिनेमेटोग्राफर हैं ओ सिंग पुई सेकेंड मूवी के है पून, हैं पून हैंग संग थर्ड मूवी के कैनिथ से एंड फिफ्थ मूवी के चेंग से एंड अगर हम बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की तो उसमें आते हैं ड्रीम्स सेलून एंटरटेनमेंट कल्चर पैगस मोशन पिक्चर्स राइर स्टार ब्राइट कम्युनिकेशन सुपर हीरो फिल्म ऑरेंज स्काई गोल्डन हार्वेस्ट मैंडर मोशन पिक्चर्स एंड लाइट पिक्चर्स यंग एंड लाइट प्रोडक्शंस एंड इसी के साथ टेन टेन फिल्म प्रोडक्शन जिन्होंने फिफ्थ मूवी प्रोड्यूस की है एंड इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में बात करें तो फर्स्ट एंड सेकेंड मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं मैंन फिल्म थर्ड मूवी के पैगसस मोशन पिक्चर्स फोर्थ मूवी के यूनिवर्सल स्टूडियोज एंड फिफ्थ मूवी के हैं वैल गो यू एस ए इसकी जो रिलीज़ डेट है वह टू थाउजेंड एंड एट से लेकर अभी तक चल रही है क्योंकि इसकी जो सेवेंथ मूवी आने वाली है वो हमें बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी एंड इसकी जो है अगर हमें इसकी पांचों मूवीज़ देखनी है तो उसका कलेक्टिव रन टाइम है फाइव हंड्रेड एंड थर्टी फोर मिनट्स का एंड इसमें जो है हमें चाइनीज़ लैंग्वेज देखने को मिलती है काफ़ी हद तक एंड ऑब्वियसली यह इंग्लिश में तो अवेलेबल है ही सही एंड इसका जो बजट रहा है कलेक्टिव फाइव फिल्म का वो फो वन हंड्रेड एंड फोर्टी मिलियन डॉलर्स का रहा है एंड बॉक्स ऑफिस पर इन पाँचों मूवीज़ का कलेक्टिव ग्रॉस कलेक्शन रहा है फोर हंड्रेड एंड ट्वेंटी सिक्स मिलियन डॉलर्स एंड आई पी मैन जो फाइव है उसकी अनाउंसमेंट मैंडरिन मोशन पिक्चर्स के द्वारा कैनन फिल्म फेस्टिवल में की गई थी एंड डियोन यन ने बताया कि हर फिल्म अपने एक यूनिक थीम के साथ आती है जैसे कि फर्स्ट इपमैन फिल्म सर्वाइवल के सेकंड इपमैन फिल्म ने फोकस किया था मेकिंग लिविंग एंड पे थर्ड ने फोकस किया है लाइफ यानी खुद की लाइफ पर फोर्थ फिल्म को इप की फोर्थ फिल्म में की डेथ के साथ आखिरी फिल्म बताया गया था लेकिन फिफ्थ फिल्म मई 2023 में रिलीज हुई थी जो कि इसकी एक स्पिन ऑफ सीरीज स्पिन ऑफ मूवी थी तो अब इस मूवी से रिलेटेड और कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन तो नहीं आई है अगर आती है तो मैं उस पर वीडियो जरूर से बनाऊंगा तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन को ऑन कर लें और अगर इस मूवी से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें मैं उनके जवाब ज़रूर से दूंगा और अगर इससे रिलेटेड कोई थ्योरी या कोई प्रडिक्शन है कि एक सेवेंथ इंस्टॉलमेंट के रूप में हमें देखने को मिलेगी जो कि इस सच्ची घटनाओं पर आधारित है इपमैन नाम के एक व्यक्ति जो कि चाइना में रहते हैं मार्शल आर्ट्स के टीचर थे जिन्हें जिन्होंने ब्रूसली को भी मार्शल आर्ट्स सिखाई थी इनके जो जन्म है वो फर्स्ट अक्टूबर नाइनटीन सॉरी एटीन नाइन्टी थ्री को और इनकी जो मृत्यु है 79 नाइन की एज में सेकेंड दिसंबर नाइनटीन सेवेंटी टू में हांगकांग में हुई थी अब मैं आपको इनकी अन्य मूवीज़ के बारे में बताना चाहूँगा जिससे आपको यह अंदाज़ा लग जाएगा कि यह मूवी कितनी शानदार हो सकती है या फिर आप इस मूवी से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं इसकी अभी तक में पांच मूवीज़ तो रिलीज़ हो चुकी हैं जो हैं इप मैन जो कि 2008 में आई एंड जो कि अपने बाद तीन सीक्वल्स और लाई जिसे अपमैन टू टू थाउजेंड टेन अपमैन थ्री टू एंड इसके अलावा मैन फोर द फाइनल 2019 में आई इसी के साथ इसकी जो है स्पिन ऑफ मास्टर जैड अपम लेगेसी 2018 में आई थी एंड अगर हम बात करें इस की कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स के बारे में जैसे कि इसके डायरेक्टर एंड राइटर कौन कौन थे तो अगर हम बात करें इसकी फर्स्ट मूवी के डायरेक्टर हैं विल्सन ये एंड यूएन एन पिंग और अगर हम बात करें इसकी कलेक्टिव रूप में तो इसके जो फर्स्ट मूवी है एंड थर्ड मूवी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड मूवी इनके जो हैं डायरेक्टर रहे हैं विल्सन येप एंड फिफ्थ मूवी के भी डायरेक्टर आल्सो ये विल्सन यिप हैं एंड फोर्थ मूवी है यू एन वू पिंग ने डायरेक्ट की है इसके राइटर्स के बारे में अगर हम देखें तो इसकी जो फर्स्ट मूवी से लेकर फिफ्थ मूवी है वहाँ तक एक राइटर इसमें स्टेबल रहे हैं एडमंड वोंग एंड चान ताई ली, इसमें एक तो फर्स्ट मूवी उन्होंने लिखी है एंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ मूवी उन्होंने लिखी है एज ए राइटर उन्होंने काम किया है एंड एक इंडिविजुअल राइटर है जिन्होंने सिर्फ थर्ड मूवी में काम किया जिनका नाम है जिल लेंग एंड इसके अलावा दो इंडिविजुअल राइटर्स हैं जिन्होंने सिर्फ फिफ्थ मूवी में काम किया उसमें आते हैं डाना फुकाजावा और जिल लेंग लाई एंड यह मूवी इपमैन के कैरेक्टर्स पर कैरेक्टर पर बेस्ड है जो कि एक रियल लाइफ कैरेक्टर हैं एंड इसके डायरेक्टर्स रहे हैं रैमंड वोंग डॉनी एन एंड विल्सन ये इसमें मेन तो जो कैरेक्टर है उनको प्ले किया है डॉनी एन ने ए, इस इन्होंने फोर्थ मूवी में काम नहीं किया बाकी फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फिफ्थ मूवी में इन्होंने ही उस कैरेक्टर को प्ले किया है एंड अगर हम बात करें इस मूवी के सिनेमाटोग्राफर के बारे में क्योंकि इस मूवी को अपने बहुत ही शानदार सिनेमेटो इफेक्ट्स के लिए भी जाना जाता है तो फर्स्ट मूवी के सिनेमेटोग्राफर है है हैं ओ सि पुई सेकंड मूवी के हैं पून हैंग संग थर्ड मूवी के कैनिथ से एंड फिफ्थ मूवी के चैंग से क्यों एंड अगर हम बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की तो उसमें आते हैं ड्रीम्स सेलून एंटरटेनमेंट कल्चर पैगस मोशन पिक्चर्स राइर स्टार ब्राइट कम्युनिकेशन सुपर हीरो फिल्म ऑरेंज स्काई गोल्डन हार्वेस्ट मैंडरिन मोशन पिक्चर्स एंड लाइट पिक्चर्स यंग एंड लाइट प्रोडक्शंस एंड इसी के साथ टेन फिल्म प्रोडक्शन जिन्होंने फिफ्थ मूवी प्रोड्यूस की है एंड इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में बात करें तो फर्स्ट एंड सेकेंड मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं मैंडरन फिल्म थर्ड मूवी के पैगस मोशन पिक्चर्स फोर्थ मूवी के यूनिवर्सल स्टूडियोज एंड फिफ्थ मूवी के हैं वेल गो यू एस ए इसकी जो रिलीज़ डेट है वह टू थाउजेंड एंड एट से लेकर अभी तक चल रही है क्योंकि इसकी जो सेवेंथ मूवी आने वाली है वो हमें बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी एंड इसकी जो है अगर हमें इसकी पांचों मूवीज़ देखनी है तो उसका कलेक्टिव रन टाइम है फाइव हंड्रेड एंड थर्टी फोर मिनट्स का एंड इसमें जो है हमें चाइनीज़ लैंग्वेज देखने को मिलती है काफ़ी हद तक एंड ऑब्वियसली यह इंग्लिश में तो अवेलेबल है ही सही एंड इसका जो बजट रहा है कलेक्टिव फाइव फिल्म का वो फो वन हंड्रेड एंड फोर्टी मिलियन डॉलर्स का रहा है एंड बॉक्स ऑफिस पर इन पाँचों मूवीज़ का कलेक्टिव ग्रॉस कलेक्शन रहा है फोर हंड्रेड एंड ट्वेंटी सिक्स मिलियन डॉलर्स एंड आई पी मैन जो फाइव है उसकी अनाउंसमेंट मैंडरिन मोशन पिक्चर्स के द्वारा कैनन फिल्म फेस्टिवल में की गई थी एंड डियोन यन ने बताया कि हर फिल्म अपने एक यूनिक थीम के साथ आती है जैसे कि फर्स्ट अपमैन फिल्म सर्वाइवल के सेकंड अपमैन फिल्म ने फोकस किया था मेकिंग अ लिविंग एंड पे थर्ड ने फोकस किया है लाइफ इट्सल्फ यानी खुद की लाइफ पर फोर्थ फिल्म को इप की फोर्थ फिल्म में की डेथ के साथ आखिरी फिल्म बताया गया था लेकिन फिफ्थ फिल्म मे 2023 में रिलीज हुई थी जो कि इसकी एक स्पिन ऑफ सीरीज स्पिन ऑफ मूवी थी तो अब इस मूवी से रिलेटेड और कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन तो नहीं आई है अगर आती है तो मैं उस पर वीडियो जरूर से बनाऊंगा तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन को ऑन कर लें और अगर इस मूवी से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें मैं उनके जवाब ज़रूर से दूंगा और अगर इससे रिलेटेड कोई थ्योरी या कोई प्रडिक्शन है कि एक सेवेंथ इंस्टॉलमेंट के रूप में हमें देखने को मिलेगी जो कि इस सच्ची घटनाओं पर आधारित है इपमैन नाम के एक व्यक्ति जो कि चाइना में रहते हैं मार्शल आर्ट्स के टीचर थे जिन्हें जिन्होंने ब्रूसली को भी मार्शल आर्ट्स सिखाई थी इनका जो जन्म है वो फर्स्ट अक्टूबर नाइनटीन सॉरी एटीन नाइन्टी थ्री को और इनकी जो मृत्यु है सेवेंटी नाइन की एज में सेकेंड दिसंबर नाइनटीन सेवेंटी टू में हांगकांग में हुई थी अब मैं आपको इनकी अन्य मूवीज़ के बारे में बताना चाहूँगा जिससे आपको यह अंदाज़ा लग जाएगा कि यह मूवी कितनी शानदार हो सकती है या फिर आप इस मूवी से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं इसकी अभी तक में पांच मूवीज़ तो रिलीज़ हो चुकी हैं जो हैं इप मैन जो कि 2008 में आई एंड जो कि अपने बाद तीन सीक्वल्स और लाई जिसे अपमैन टू टू थाउजेंड टेन अपमैन थ्री टू एंड इसके अलावा मैन फोर द फाइनल 2019 में आई इसी के साथ इसकी जो है स्पिन ऑफ मास्टर जैड अपमैन लेगेसी 2018 में आई थी एंड अगर हम बात करें इस की कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स के बारे में जैसे कि इसके डायरेक्टर एंड राइटर कौन कौन थे तो अगर हम बात करें इसकी फर्स्ट मूवी के डायरेक्टर हैं विल्सन ये एंड यू एन पिंग और अगर हम बात करें इसकी कलेक्टिव रूप में तो इसके जो फर्स्ट मूवी है एंड थर्ड मूवी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड मूवी इनके जो हैं डायरेक्टर रहे हैं विल्सन यिप एंड फिफ्थ मूवी के भी डायरेक्टर आल्सो विल्सन यिप हैं एंड फोर्थ मूवी है यू एन वू पिंग ने डायरेक्ट की है इसके राइटर्स के बारे में अगर हम देखें तो इसकी जो फर्स्ट मूवी से लेकर फिफ्थ मूवी है वहाँ तक एक राइटर इसमें स्टेबल रहे हैं एडमंड वांग एंड चान ताईली इसमें एक तो फर्स्ट मूवी उन्होंने लिखी है एंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ मूवी उन्होंने लिखी है एज ए राइटर उन्होंने काम किया है एंड एक इंडिविजुअल राइटर हैं जिन्होंने सिर्फ थर्ड मूवी में काम किया जिनका नाम है जिल लेग एंड इसके अलावा दो इंडिविजुअल राइटर्स हैं जिन्होंने सिर्फ फिफ्थ मूवी में काम किया उसमें आते हैं डाना फुकाजावा और जिल लेंग लाई एंड यह मूवी मैन के कैरेक्टर्स पर कैरेक्टर पर बेस्ड जो कि एक रियल लाइफ कैरेक्टर हैं एंड इसके डायरेक्टर्स रहे हैं रैमंड वोंग डॉनी यैन एंड विल्सन ये इसमें मेन तो जो कैरेक्टर है उनको प्ले किया है डॉनी यैन ने इस इन्होंने फोर्थ मूवी में काम नहीं किया बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फिफ्थ मूवी में इन्होंने ही उस कैरेक्टर को प्ले किया है एंड अगर हम बात करें इस मूवी के सिनेमाटोग्राफर के बारे में क्योंकि इस मूवी को आ, अपने बहुत ही शानदार सिनेमेटो इफेक्ट्स के लिए भी जाना जाता है तो फर्स्ट मूवी के सिनेमेटोग्राफर हैं ओ सिंग पुई सेकेंड मूवी के है पून, हैं पून हैंग संग थर्ड मूवी के कैनिट से एंड फिफ्थ मूवी के चैंग सेंग एंड अगर हम बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की तो उसमें आते हैं ड्रीम्स सैलून एंटरटेनमेंट कल्चर पैगसस मोशन पिक्चर्स राइर स्टार ब्राइट कम्युनिकेशन सुपर हीरो फिल्म ऑरेंज स्काई गोल्डन हार्वेस्ट मैंडरिन मोशन पिक्चर्स एंड लाइट पिक्चर्स यंग एंड लाइट प्रोडक्शंस एंड इसी के साथ टेन टेन फिल्म प्रोडक्शन जिन्होंने फिफ्थ मूवी प्रोड्यूस की है एंड इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में बात करें तो फर्स्ट एंड सेकंड मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं मैंडरन फिल्म थर्ड मूवी के पेगासस मोशन पिक्चर्स फोर्थ मूवी के यूनिवर्सल स्टूडियोज एंड फिफ्थ मूवी के हैं वेल गो यू इसकी जो रिलीज़ डेट है वह टू से लेकर अभी तक चल रही है क्योंकि इसकी जो सेवेंथ मूवी आने वाली है वो हमें बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी एंड इसकी जो है अगर हमें इसकी पांचों मूवीज़ देखनी है तो उसका कलेक्टिव रन टाइम है फाइव हंड्रेड एंड थर्टी फोर मिनट्स का एंड इसमें जो है हमें चाइनीज़ लैंग्वेज देखने को मिलती है काफ़ी हद तक एंड ऑब्वियसली यह इंग्लिश में तो अवेलेबल है ही सही एंड इसका जो बजट रहा है कलेक्टिव फाइव फिल्म का वो फो वन हंड्रेड एंड फोर्टी मिलियन डॉलर्स का रहा है एंड बॉक्स ऑफिस पर इन पाँचों मूवीज़ का कलेक्टिव ग्रॉस कलेक्शन रहा है फोर हंड्रेड एंड ट्वेंटी सिक्स मिलियन डॉलर्स एंड आई पी मैन जो फाइव है उसकी अनाउंसमेंट मैंडरिन मोशन पिक्चर्स के द्वारा कैनन फिल्म फेस्टिवल में की गई थी एंड डियोन येन यन ने बताया कि हर फिल्म अपने एक यूनिक थीम के साथ आती है जैसे कि फर्स्ट अपमैन फिल्म सर्वाइवल के सेकंड अपमैन फिल्म ने फोकस किया था मेकिंग अ लिविंग एंड पे, थर्ड ने फोकस किया है लाइफ इट्सल्फ यानी खुद की लाइफ पर फोर्थ फिल्म को इप की फोर्थ फिल्म में की डेथ के साथ आखिरी फिल्म बताया गया था लेकिन फिफ्थ फिल्म मई 2023 में रिलीज हुई थी जो कि इसकी एक स्पिन ऑफ सीरीज स्पिन ऑफ मूवी थी तो अब इस मूवी से रिलेटेड और कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन तो नहीं आई है अगर आती है तो मैं उस पर वीडियो जरूर से बनाऊंगा तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन को ऑन कर लें और अगर इस मूवी से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें मैं उनके जवाब ज़रूर से दूंगा और अगर इससे रिलेटेड कोई थ्योरी या कोई प्रोडिक्शन है कि एक सेवेंथ इंस्टॉलमेंट के रूप में हमें देखने को मिलेगी जो कि इस सच्ची घटनाओं पर आधारित है इपमैन नाम के एक व्यक्ति जो कि चाइना में रहते हैं मार्शल आर्ट्स के टीचर थे जिन्हें जिन्होंने ब्रूसली को भी मार्शल आर्ट्स सिखाई थी इनका जो जन्म है वो फर्स्ट अक्टूबर नाइनटीन सॉरी एटीन नाइन्टी थ्री को और इनकी जो मृत्यु है सेवेंटी नाइन की एज में सेकेंड दिसंबर नाइनटीन सेवेंटी टू में हांगकांग में हुई थी अब मैं आपको इनकी अन्य मूवीज़ के बारे में बताना चाहूँगा जिससे आपको यह अंदाज़ा लग जाएगा कि यह मूवी कितनी शानदार हो सकती है या फिर आप इस मूवी से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं इसकी अभी तक में पांच मूवीज़ तो रिलीज़ हो चुकी हैं जो हैं इप मैन जो कि 2008 में आई एंड जो कि अपने बाद तीन सीक्वल्स और लाई जिसे अपमैन टू टू थाउजेंड टेन अपमैन थ्री टू एंड इसके अलावा मैन फोर द फाइनल 2019 में आई इसी के साथ इसकी जो है स्पिन ऑफ मास्टर जैड अपम लेगसी 2018 में आई थी एंड अगर हम बात करें इस की कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स के बारे में जैसे कि इसके डायरेक्टर एंड राइटर कौन कौन थे तो अगर हम बात करें इसकी फर्स्ट मूवी के डायरेक्टर हैं विल्सन ये एंड यू एन पिंग और अगर हम बात करें इसकी कलेक्टिव रूप में तो इसके जो फर्स्ट मूवी है एंड थर्ड मूवी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड मूवी इनके जो हैं डायरेक्टर रहे हैं विल्सन यिप एंड फिफ्थ मूवी के भी डायरेक्टर आल्सो विल्सन यिप हैं एंड फोर्थ मूवी है यू एन वू पिंग ने डायरेक्ट की है इसके राइटर्स के बारे में अगर हम देखें तो इसकी जो फर्स्ट मूवी से लेकर फिफ्थ मूवी है वहाँ तक एक राइटर इसमें स्टेबल रहे हैं एडमंड वोंग एंड चान ताईली इसमें एक तो फर्स्ट मूवी उन्होंने लिखी है एंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ मूवी उन्होंने लिखी है एज ए राइटर उन्होंने काम किया है एंड एक इंडिविजुअल राइटर हैं जिन्होंने सिर्फ थर्ड मूवी में काम किया जिनका नाम है जिल ले एंड इसके अलावा दो इंडिविजुअल राइटर्स हैं जिन्होंने सिर्फ फिफ्थ मूवी में काम किया उसमें आते हैं डाना फुकाजावा और जिल लेंग लाई एंड यह मूवी इपमैन के कैरेक्टर्स पर कैरेक्टर पर बेस्ड है जो कि एक रियल लाइफ कैरेक्टर हैं एंड इसके डायरेक्टर्स रहे हैं रैमंड वोंग डॉनी येन एंड विल्सन ये इसमें मेन तो जो कैरेक्टर है उनको प्ले किया है डॉनी येन ने ए, इस इन्होंने फोर्थ मूवी में काम नहीं किया बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फिफ्थ मूवी में इन्होंने ही उस कैरेक्टर को प्ले किया है एंड अगर हम बात करें इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर के बारे में क्योंकि इस मूवी को अपने बहुत ही शानदार सिनेमेटो इफेक्ट्स के लिए भी जाना जाता है तो फर्स्ट मूवी के सिनेमेटोग्राफर हैं ओ सिंग पुई सेकेंड मूवी के है पून, हैं पून हैंग संग थर्ड मूवी के कैनिथ से एंड फिफ्थ मूवी के चैंग से यू एंड अगर हम बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की तो उसमें आते हैं ड्रीम्स सेलून एंटरटेनमेंट कल्चर पैगसस मोशन पिक्चर्स राइर स्टार ब्राइट कम्युनिकेशन सुपर हीरो फिल्म ऑरेंज स्काई गोल्डन हार्वेस्ट मैंडरिन मोशन पिक्चर्स एंड लाइट पिक्चर्स यंग एंड लाइट प्रोडक्शंस एंड इसी के साथ टेन टेन फिल्म प्रोडक्शन जिन्होंने फिफ्थ मूवी प्रोड्यूस की है एंड इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में बात करें तो फर्स्ट एंड सेकेंड मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं मैंड फिल्म थर्ड मूवी के पैगस मोशन पिक्चर्स फोर्थ मूवी के यूनिवर्सल स्टूडियोज एंड फिफ्थ मूवी के हैं वेल गो यू एस ए इसकी जो रिलीज़ डेट है वह टू थाउजेंड एंड एट से लेकर अभी तक चल रही है क्योंकि इसकी जो सेवेंथ मूवी आने वाली है वो हमें बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी एंड इसकी जो है अगर हमें इसकी पांचों मूवीज़ देखनी है तो उसका कलेक्टिव रन टाइम है फाइव हंड्रेड एंड थर्टी फोर मिनट्स का एंड इसमें जो है हमें चाइनीज़ लैंग्वेज देखने को मिलती है काफ़ी हद तक एंड ऑब्वियसली यह इंग्लिश में तो अवेलेबल है ही सही एंड इसका जो बजट रहा है कलेक्टिव फाइव फिल्म्स का वो फो वन हंड्रेड एंड फोर्टी मिलियन डॉलर्स का रहा है एंड बॉक्स ऑफिस पर इन पांचों मूवीज़ का कलेक्टिव ग्रॉस कलेक्शन रहा है फोर हंड्रेड एंड ट्वेंटी सिक्स मिलियन डॉलर्स एंड आई पी मैन जो फाइव है उसकी अनाउंसमेंट मैंड्रेन मोशन पिक्चर्स के द्वारा कैनन फिल्म फेस्टिवल में की गई थी एंड डियोन येन यन ने बताया कि हर फिल्म अपने एक यूनिक थीम के साथ आती है जैसे कि फर्स्ट इपमैन फिल्म सरवाइवल के सेकंड इपमैन फिल्म ने फोकस किया था मेकिंग लिविंग एंड पे थर्ड ने फोकस किया है लाइफ इट्सल्फ यानी खुद की लाइफ पर फोर्थ फिल्म को इप की फोर्थ फिल्म में की डेथ के साथ आखिरी फिल्म बताया गया था लेकिन फिफ्थ फिल्म मई 2023 में रिलीज हुई थी जो कि इसकी एक स्पिन ऑफ सीरीज स्पिन ऑफ मूवी थी तो अब इस मूवी से रिलेटेड और कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन तो नहीं आई है अगर आती है तो मैं उस पर वीडियो जरूर से बनाऊंगा तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन को ऑन कर लें और अगर इस मूवी से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें मैं उनके जवाब ज़रूर से दूंगा और अगर इससे रिलेटेड कोई थ्योरी या कोई प्रडिक्शन है कि एक सेवेंथ इंस्टॉलमेंट के रूप में हमें देखने को मिलेगी जो कि इस सच्ची घटनाओं पर आधारित है इपमैन नाम के एक व्यक्ति जो कि चाइना में रहते हैं मार्शल आर्ट्स के टीचर थे जिन्हें जिन्होंने ब्रूसली को भी मार्शल आर्ट्स सिखाई थी इनका जो जन्म है वो फर्स्ट अक्टूबर नाइनटीन सॉरी एटीन नाइन्टी थ्री को और इनकी जो मृत्यु है सेवेंटी नाइन की एज में सेकेंड दिसंबर नाइनटीन सेवेंटी टू में हांगकांग में हुई थी अब मैं आपको इनकी अन्य मूवीज़ के बारे में बताना चाहूँगा जिससे आपको यह अंदाज़ा लग जाएगा कि यह मूवी कितनी शानदार हो सकती है या फिर आप इस मूवी से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं इसकी अभी तक में पांच मूवीज़ तो रिलीज़ हो चुकी हैं जो हैं इप मैन जो कि 2008 में आई एंड जो कि अपने बाद तीन सीक्वल्स और लाई जिसे अपमैन टू टू थाउजेंड टेन अपमैन थ्री टू एंड इसके अलावा मैन फोर द फाइनल 2019 में आई इसी के साथ इसकी जो है स्पिन ऑफ मास्टर जैड अपमैन लेगेसी 2018 में आई थी एंड अगर हम बात करें इस की कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स के बारे में जैसे कि इसके डायरेक्टर एंड राइटर कौन कौन थे तो अगर हम बात करें इसकी फर्स्ट मूवी के डायरेक्टर हैं विल्सन ये एंड यू एन पिंग और अगर हम बात करें इसकी कलेक्टिव रूप में तो इसके जो फर्स्ट मूवी है एंड थर्ड मूवी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड मूवी इनके जो हैं डायरेक्टर रहे हैं विल्सन येप एंड फिफ्थ मूवी के भी डायरेक्टर आल्सो विल्सन यिप हैं एंड फोर्थ मूवी है यू एन वू पिंग ने डायरेक्ट की है इसके राइटर्स के बारे में अगर हम देखें तो इसकी जो फर्स्ट मूवी से लेकर फिफ्थ मूवी है वहाँ तक एक राइटर इसमें स्टेबल रहे हैं एडमंड वोंग एंड चान ताईली इसमें एक तो फर्स्ट मूवी उन्होंने लिखी है एंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ मूवी उन्होंने लिखी है एज ए राइटर उन्होंने काम किया है एंड एक इंडिविजुअल राइटर है जिन्होंने सिर्फ थर्ड मूवी में काम किया जिनका नाम है जिल लेओंग एंड इसके अलावा दो इंडिविजुअल राइटर्स हैं जिन्होंने सिर्फ फिफ्थ मूवी में काम किया उसमें आते हैं डाना फुकाजावा और जिल लेउंग लाई एंड यह मूवी इपमैन के कैरेक्टर्स कैरेक्टर पर बेस्ड है जो कि एक रियल लाइफ कैरेक्टर हैं एंड इसके डायरेक्टर्स रहे हैं रैमंड वोंग, डॉनी यान एंड विल्सन ये इसमें मेन तो जो कैरेक्टर है उनको प्ले किया है डॉनी यान ने ए, इस इन्होंने फोर्थ मूवी में काम नहीं किया बाकी फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फिफ्थ मूवी में इन्होंने ही उस कैरेक्टर को प्ले किया है एंड अगर हम बात करें इस मूवी के सिनेमाटोग्राफर के बारे में क्योंकि इस मूवी को अपने बहुत ही शानदार सिनेमेटो इफेक्ट्स के लिए भी जाना जाता है तो फर्स्ट मूवी के सिनेमेटोग्राफर हैं ओ सिंग पुई सेकेंड मूवी के है पून, हैं पून हैंग संग थर्ड मूवी के कैनिथ से एंड फिफ्थ मूवी के चेंग से यू एंड अगर हम बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की तो उसमें आते हैं ड्रीम्स सेलून एंटरटेनमेंट कल्चर पैगस मोशन पिक्चर्स राइर स्टार ब्राइट कम्युनिकेशन सुपर हीरो फिल्म ऑरेंज स्काई गोल्डन हार्वेस्ट मैंडरिन मोशन पिक्चर्स एंड लाइट पिक्चर्स यंग एंड लाइट प्रोडक्शंस एंड इसी के साथ टेन टेन फिल्म प्रोडक्शन जिन्होंने फिफ्थ मूवी प्रोड्यूस की है एंड इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में बात करें तो फर्स्ट एंड सेकेंड मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं मैंड फिल्म थर्ड मूवी के पैगसस मोशन पिक्चर्स फोर्थ मूवी के यूनिवर्सल स्टूडियोज एंड फिफ्थ मूवी के हैं वेल गो यू एस ए इसकी जो रिलीज़ डेट है वह टू थाउजेंड एंड एट से लेकर अभी तक चल रही है क्योंकि इसकी जो सेवेंथ मूवी आने वाली है वो हमें बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी एंड इसकी जो है अगर हमें इसकी पांचों मूवीज़ देखनी है तो उसका कलेक्टिव रन टाइम है फाइव हंड्रेड एंड थर्टी फोर मिनट्स का एंड इसमें जो है हमें चाइनीज़ लैंग्वेज देखने को मिलती है काफ़ी हद तक एंड ऑब्वियसली यह इंग्लिश में तो अवेलेबल है ही सही एंड इसका जो बजट रहा है कलेक्टिव फाइव फिल्म का वो फो वन हंड्रेड एंड फोर्टी मिलियन डॉलर्स का रहा है एंड बॉक्स ऑफिस पर इन पाँचों मूवीज़ का कलेक्टिव ग्रॉस कलेक्शन रहा है फोर हंड्रेड एंड ट्वेंटी सिक्स मिलियन डॉलर्स एंड आई पी मैन जो फाइव है उसकी अनाउंसमेंट मैंडरिन मोशन पिक्चर्स के द्वारा कैनन फिल्म फेस्टिवल में की गई थी एंड डिओन यन ने बताया कि हर फिल्म अपने एक यूनिक थीम के साथ आती है जैसे कि फर्स्ट मैन फिल्म सर्वाइवल के एप मैन फिल्म ने फोकस किया था मेकिंग लिविंग एंड पे थर्ड ने फोकस किया है लाइफ इट यानी खुद की लाइफ पर फोर्थ फिल्म को इप की फोर्थ फिल्म में की डेथ के साथ आखिरी फिल्म बताया गया था लेकिन फिफ्थ फिल्म मे ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में रिलीज हुई थी जो कि इसकी एक स्पिन स्पिन ऑफ ऑफ सीरीज मूवी थी तो अब इस मूवी से रिलेटेड और कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन तो नहीं आई है अगर आती है तो मैं उस पर वीडियो जरूर से बनाऊंगा तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन को ऑन कर लें और अगर इस मूवी से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें मैं उनके जवाब ज़रूर से दूंगा और अगर इससे रिलेटेड कोई थ्योरी या कोई प्रडिक्शन है कि ए, एक सेवेंथ इंस्टॉलमेंट के रूप में हमें देखने को मिलेगी जो कि इस सच्ची घटनाओं पर आधारित है इपमैन नाम के एक व्यक्ति जो कि चाइना में रहते हैं मार्शल आर्ट्स के टीचर थे जिन्हें जिन्होंने ब्रूसली को भी मार्शल आर्ट्स सिखाई थी इनका जो जन्म है वो फर्स्ट अक्टूबर नाइनटीन सॉरी एटीन थ्री को और इनकी जो मृत्यु है सेवेंटी नाइन की एज में सेकेंड दिसंबर नाइनटीन सेवेंटी टू में हांगकांग में हुई थी अब मैं आपको इनकी अन्य मूवीज़ के बारे में बताना चाहूँगा जिससे आपको यह अंदाज़ा लग जाएगा कि यह मूवी कितनी शानदार हो सकती है या फिर आप इस मूवी से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं इसकी अभी तक में पांच मूवीज़ तो रिलीज़ हो चुकी हैं जो है इप मैन जो कि 2008 में आई एंड जो कि अपने बाद तीन सीक्वल्स और लाई जिसे अपमैन टू टू थाउजेंड टैन अपम थ्री टू एंड इसके अलावा मैन फोर द फाइनल 2019 में आई इसी के साथ इसकी जो है स्पिन ऑफ मास्टर जैड अपमैन लेगसी 2018 में आई थी एंड अगर हम बात करें इस की कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स के बारे में जैसे कि इसके डायरेक्टर एंड राइटर कौन कौन थे तो अगर हम बात करें इसकी फर्स्ट मूवी के डायरेक्टर हैं विल्सन ये एंड यू एन पिंग और अगर हम बात करें इसकी कलेक्टिव रूप में तो इसके जो फर्स्ट मूवी है एंड थर्ड मूवी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड मूवी इनके जो हैं डायरेक्टर रहे हैं विल्सन यिप एंड फिफ्थ मूवी के भी डायरेक्टर आल्सो विल्सन यिप हैं एंड फोर्थ मूवी है यू एन वू पिंग ने डायरेक्ट की है इसके राइटर्स के बारे में अगर हम देखें तो इसकी जो फर्स्ट मूवी से लेकर फिफ्थ मूवी है वहाँ तक एक राइटर इसमें स्टेबल रहे हैं एडमंड वग एंड चान ताइली इसमें एक तो फर्स्ट मूवी उन्होंने लिखी है एंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ मूवी उन्होंने लिखी है एज ए राइटर उन्होंने काम किया है एंड एक इंडिविजुअल राइटर हैं जिन्होंने सिर्फ थर्ड मूवी में काम किया जिनका नाम है जिल लेंग एंड इसके अलावा दो इंडिविजुअल राइटर्स हैं जिन्होंने सिर्फ फिफ्थ मूवी में काम किया उसमें आते हैं डाना फुकाजावा और जिल लेंग लाई एंड यह मूवी इपमैन के कैरेक्टर्स पर कैरेक्टर पर बेस्ड जो कि एक रियल लाइफ कैरेक्टर हैं एंड इसके डायरेक्टर्स रहे हैं रैमन वॉन्ग डोनी यैन एंड विल्सन ये इसमें मेन तो जो कैरेक्टर है उनको प्ले किया है डोनी यैन ने इस इन्होंने फोर्थ मूवी में काम नहीं किया बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फिफ्थ मूवी में इन्होंने ही उस कैरेक्टर को प्ले किया है एंड अगर हम बात करें इस मूवी के सिनेमाटोग्राफर के बारे में क्योंकि इस मूवी को आ, अपने बहुत ही शानदार सिनेमाटो इफ़ेक्ट्स के लिए भी जाना जाता है तो फर्स्ट मूवी के सिनेमेटोग्राफर हैं ओ सिंग पुई सेकेंड मूवी के है पून, हैं पून हैंग संग थर्ड मूवी के कैनिथ से एंड फिफ्थ मूवी के चेंग सी एंड अगर हम बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की तो उसमें आते हैं ड्रीम्स सैलून एंटरटेनमेंट कल्चर पैगसस मोशन पिक्चर्स राइर स्टार ब्राइट कम्युनिकेशन सुपर हीरो फिल्म ऑरेंज स्काई गोल्डन हार्वेस्ट मैंडरिन मोशन पिक्चर्स एंड लाइट पिक्चर्स यंग एंड लाइट प्रोडक्शंस एंड इसी के साथ टेन टेन फिल्म प्रोडक्शन जिन्होंने फिफ्थ मूवी प्रोड्यूस की है एंड इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में बात करें तो फर्स्ट एंड सेकेंड मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं मैंडरन फिल्म थर्ड मूवी के पैगसस मोशन पिक्चर्स फोर्थ मूवी के यूनिवर्सल स्टूडियोज एंड फिफ्थ मूवी के हैं वेल गो यू इसकी जो रिलीज़ डेट है वह टू से लेकर अभी तक चल रही है क्योंकि इसकी जो सेवेंथ मूवी आने वाली है वो हमें बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी एंड इसकी जो है अगर हमें इसकी पाँचों मूवीज़ देखनी है तो उसका कलेक्टिव रन टाइम है फाइव हंड्रेड एंड थर्टी फोर मिनट्स का एंड इसमें जो है हमें चाइनीज़ लैंग्वेज देखने को मिलती है काफ़ी हद तक एंड ऑब्वियसली यह इंग्लिश में तो अवेलेबल है ही सही एंड इसका जो बजट रहा है कलेक्टिव फाइव फिल्म का वो फो वन हंड्रेड एंड फोर्टी मिलियन डॉलर्स का रहा है एंड बॉक्स ऑफिस पर इन पाँचों मूवीज़ का कलेक्टिव ग्रॉस कलेक्शन रहा है फोर हंड्रेड एंड ट्वेंटी सिक्स मिलियन डॉलर्स एंड आई पी मैन जो फाइव है उसकी अनाउंसमेंट मैंडरिन मोशन पिक्चर्स के द्वारा कैनन फिल्म फेस्टिवल में की गई थी एंड डियोन येन यन ने बताया कि हर फिल्म अपने एक यूनिक थीम के साथ आती है जैसे कि फर्स्ट अपमैन फिल्म सर्वाइवल के सेकंड अपमैन फिल्म ने फोकस किया था मेकिंग अ लिविंग एंड अडेप्टिंग पे थर्ड ने फोकस किया है लाइफ इट यानी खुद की लाइफ पर फोर्थ फिल्म को इप की फोर्थ फिल्म में की डेथ के साथ आखिरी फिल्म बताया गया था लेकिन फिफ्थ फिल्म मई 2023 में रिलीज हुई थी जो कि इसकी एक स्पिन स्पिन ऑफ ऑफ सीरीज मूवी थी तो अब इस मूवी से रिलेटेड और कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन तो नहीं आई है अगर आती है तो मैं उस पर वीडियो जरूर से बनाऊंगा तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन को ऑन कर लें और अगर इस मूवी से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें मैं उनके जवाब ज़रूर से दूंगा और अगर इससे रिलेटेड कोई थ्योरी या कोई प्रडिक्शन है कि एक सेवेंथ इंस्टॉलमेंट के रूप में हमें देखने को मिलेगी जो कि इस सच्ची घटनाओं पर आधारित है इपमैन नाम के एक व्यक्ति जो कि चाइना में रहते हैं मार्शल आर्ट्स के टीचर थे जिन्हें जिन्होंने ब्रूसली को भी मार्शल आर्ट्स सिखाई थी इनके जो जन्म है वो फर्स्ट अक्टूबर नाइनटीन सॉरी एटीन नाइन्टी थ्री को और इनकी जो मृत्यु है 79 नाइन की एज में सेकेंड दिसंबर नाइनटीन सेवेंटी टू में हांगकांग में हुई थी अब मैं आपको इनकी अन्य मूवीज़ के बारे में बताना चाहूँगा जिससे आपको यह अंदाज़ा लग जाएगा कि यह मूवी कितनी शानदार हो सकती है या फिर आप इस मूवी से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं इसकी अभी तक में पांच मूवीज़ तो रिलीज़ हो चुकी हैं जो हैं इप मैन जो कि 2008 में आई एंड जो कि अपने बाद तीन सीक्वल्स और लाई जिसे अपमैन टू टू थाउजेंड टेन अपमैन थ्री टू एंड इसके अलावा मैन फोर द फाइनल 2019 में आई इसी के साथ इसकी जो है स्पिन ऑफ मास्टर जैड अपमैन लेगेसी 2018 में आई थी एंड अगर हम बात करें इस की कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स के बारे में जैसे कि इसके डायरेक्टर एंड राइटर कौन कौन थे तो अगर हम बात करें इसकी फर्स्ट मूवी के डायरेक्टर हैं विल्सन ये एंड यूएन एन पिंग और अगर हम बात करें इसकी कलेक्टिव रूप में तो इसके जो फर्स्ट मूवी है एंड थर्ड मूवी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड मूवी इनके जो हैं डायरेक्टर रहे हैं विल्सन यिप एंड फिफ्थ मूवी के भी डायरेक्टर आल्सो विल्सन यिप हैं एंड फोर्थ मूवी है यू एन वू पिंग ने डायरेक्ट की है इसके राइटर्स के बारे में अगर हम देखें तो इसकी जो फर्स्ट मूवी से लेकर फिफ्थ मूवी है वहाँ तक एक राइटर इसमें स्टेबल रहे हैं एडमंड वग एंड चान ताई ली इसमें एक तो फर्स्ट मूवी उन्होंने लिखी है एंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ मूवी उन्होंने लिखी है एज ए राइटर उन्होंने काम किया है एंड एक इंडिविजुअल राइटर हैं जिन्होंने सिर्फ थर्ड मूवी में काम किया जिनका नाम है जिल ले एंड इसके अलावा दो इंडिविजुअल राइटर्स हैं जिन्होंने सिर्फ फिफ्थ मूवी में काम किया उसमें आते हैं डाना फुकाजावा और जिल ले लाई एंड यह मूवी मैन के कैरेक्टर्स पर कैरेक्टर पर बेस्ड जो कि एक रियल लाइफ कैरेक्टर हैं एंड इसके डायरेक्टर्स रहे हैं रैमन वोंग डोनी एन एंड विल्सन ये इसमें मेन तो जो कैरेक्टर है उनको प्ले किया है डोनी एन ने इस इन्होंने फोर्थ मूवी में काम नहीं किया बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फिफ्थ मूवी में इन्होंने ही उस कैरेक्टर को प्ले किया है एंड अगर हम बात करें इस मूवी के सिनेमाटोग्राफर के बारे में क्योंकि इस मूवी को आ, अपने बहुत ही शानदार सिनेमेटो इफेक्ट्स के लिए भी जाना जाता है तो फर्स्ट मूवी के सिनेमेटोग्राफर हैं ओ सिंग पुई सेकेंड मूवी के है पून, हैं पून हैंग संग थर्ड मूवी के कैनिथ से एंड फिफ्थ मूवी के चैंग सी के अगर हम बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की तो उसमें आते हैं ड्रीम्स सैलून एंटरटेनमेंट कल्चर पैगस मोशन पिक्चर्स राइर स्टार ब्राइट कम्युनिकेशन सुपर हीरो फिल्म ऑरेंज स्काई गोल्डन हार्वेस्ट मैंडरिन मोशन पिक्चर्स एंड लाइट पिक्चर्स यंग एंड लाइट प्रोडक्शंस एंड इसी के साथ टेन टेन फिल्म प्रोडक्शन जिन्होंने फिफ्थ मूवी प्रोड्यूस की है एंड इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में बात करें तो फर्स्ट एंड सेकंड मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं मैंडरिन फिल्म्स थर्ड मूवी के पेगासस मोशन पिक्चर्स फोर्थ मूवी के यूनिवर्सल स्टूडियोज एंड फिफ्थ मूवी के हैं वेल गो यू इसकी जो रिलीज डेट है वो टू थाउजेंड से लेकर अभी तक चल रही है क्योंकि इसकी जो सेवेंथ मूवी आने वाली है वो हमें बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी एंड इसकी जो है अगर हमें इसकी पांचों मूवीज़ देखनी है तो उसका कलेक्टिव रन टाइम है फाइव हंड्रेड एंड थर्टी फोर मिनट्स का एंड इसमें जो है हमें चाइनीज़ लैंग्वेज देखने को मिलती है काफ़ी हद तक एंड ऑब्वियसली यह इंग्लिश में तो अवेलेबल है ही सही एंड इसका जो बजट रहा है कलेक्टिव फाइव फिल्म्स का वो फो वन हंड्रेड एंड फोर्टी मिलियन डॉलर्स का रहा है एंड बॉक्स ऑफिस पर इन पांचों मूवीज़ का कलेक्टिव ग्रॉस कलेक्शन रहा है फोर हंड्रेड एंड ट्वेंटी सिक्स मिलियन डॉलर्स एंड आईपी मैन जो फाइव है उसकी अनाउंसमेंट मैंडरिन मोशन पिक्चर्स के द्वारा कैनन फिल्म फेस्टिवल में की गई थी एंड डिओन यन ने बताया कि हर फिल्म अपने एक यूनिक थीम के साथ आती है जैसे कि फर्स्ट अपमैन फिल्म सर्वाइवल के सेकंड अपमैन फिल्म ने फोकस किया था मेकिंग लिविंग एंड पे थर्ड ने फोकस किया है लाइफ इट्सल्फ यानी खुद की लाइफ पर फोर्थ फिल्म को इप की फोर्थ फिल्म में इप की डैथ के साथ आखिरी फिल्म बताया गया था लेकिन फिफ्थ फिल्म मे 2023 में रिलीज़ हुई थी जो कि इसकी एक स्पिन ऑफ सीरीज स्पिन ऑफ मूवी थी तो अब इस मूवी से रिलेटेड और कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन तो नहीं आई है अगर आती है तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर से बनाऊंगा तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें और अगर इस मूवी से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें मैं उनके जवाब ज़रूर से दूंगा और अगर इससे रिलेटेड कोई थ्योरी या कोई प्रडिक्शन है कि एक सेवेंथ इंस्टॉलमेंट के रूप में हमें देखने को मिलेगी जो कि इस सच्ची घटनाओं पर आधारित है इपमैन नाम के एक व्यक्ति जो कि चाइना में रहते हैं मार्शल आर्ट्स के टीचर थे जिन्हें जिन्होंने ब्रूसली को भी मार्शल आर्ट्स सिखाई थी इनका जो जन्म है वो फर्स्ट अक्टूबर नाइनटीन सॉरी एटीन नाइन्टी थ्री को और इनकी जो मृत्यु है सेवनटी नाइन की एज में सेकेंड दिसंबर नाइनटीन सेवेंटी टू में हांगकांग में हुई थी अब मैं आपको इनकी अन्य मूवीज़ के बारे में बताना चाहूँगा जिससे आपको यह अंदाज़ा लग जाएगा कि यह मूवी कितनी शानदार हो सकती है या फिर आप इस मूवी से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं इसकी अभी तक में पांच मूवीज़ तो रिलीज़ हो चुकी हैं जो हैं इप मैन जो कि 2008 में आई एंड जो कि अपने बाद तीन सीक्वल्स और लाई जिसे अपमैन टू टू थाउजेंड टेन अपमैन थ्री टू एंड इसके अलावा मैन फोर द फाइनल 2019 में आई इसी के साथ इसकी जो है स्पिन ऑफ मास्टर जैड अपमैन लेगेसी टू में आई थी एंड अगर हम बात करें इस की कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स के बारे में जैसे कि इसके डायरेक्टर एंड राइटर कौन कौन थे तो अगर हम बात करें इसकी फ़र्स्ट मूवी के डायरेक्टर हैं विल्सन येप एंड यू एन पिंग और अगर हम बात करें इसकी कलेक्टिव रूप में तो इसके जो फर्स्ट मूवी है एंड थर्ड मूवी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड मूवी इनके जो हैं डायरेक्टर रहे हैं विल्सन येप एंड फिफ्थ मूवी के विडल डायरेक्टर ऑल्सो विल्सन गिप हैं एंड फोर्थ मूवी है, है यू एन वू पिंग ने डायरेक्ट की है इसके राइटर्स के बारे में अगर हम देखें तो इसकी जो फर्स्ट मूवी से लेकर फिफ्थ मूवी है वहाँ तक एक राइटर इसमें स्टेबल रहे हैं एडमंड वोंग एंड चान ताईली इसमें एक तो फर्स्ट मूवी उन्होंने लिखी है एंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ मूवी उन्होंने लिखी है एज ए राइटर उन्होंने काम किया है एंड एक इंडिविजुअल राइटर हैं जिन्होंने सिर्फ थर्ड मूवी में काम किया जिनका नाम है जिल लेंग एंड इसके अलावा दो इंडिविजुअल राइटर्स हैं जिन्होंने सिर्फ फिफ्थ मूवी में काम किया उसमें आते हैं डाना फुकाजावा और जिल लेंग लाई एंड यह मूवी अपमैन के कैरेक्टर्स character पर कैरेक्टर पर बेस्ड है जो कि एक रियल लाइफ कैरेक्टर हैं एंड इसके डायरेक्टर्स रहे हैं रेमंड वोंग येन एंड विल्सन ये इसमें मेन तो जो कैरेक्टर है उनको प्ले किया है डॉनी येन ने इस इन्होंने फोर्थ मूवी में काम नहीं किया बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फिफ्थ मूवी में इन्होंने ही उस कैरेक्टर को प्ले किया है एंड अगर हम बात करें इस मूवी के सिनेमाटोग्राफर के बारे में क्योंकि इस मूवी को अपने बहुत ही शानदार सिनेमाटो इफ़ेक्ट्स के लिए भी जाना जाता है तो फर्स्ट मूवी के सिनेमाटोग्राफर हैं ओ सिंग पुई सेकंड मूवी के है पून हैं पून हैंग संग थर्ड मूवी के कैनिट से एंड फिफ्थ मूवी के चेंग सी के अगर हम बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की तो उसमें आते हैं ड्रीम्स सेलून एंटरटेनमेंट कल्चर पैगस मोशन पिक्चर्स राइर स्टार ब्राइट कम्युनिकेशन सुपर हीरो फिल्म ऑरेंज स्काई गोल्डन हार्वेस्ट मैंडरिन मोशन पिक्चर्स एंड लाइट पिक्चर्स यंग एंड लाइट प्रोडक्शंस एंड इसी के साथ टेन टेन फिल्म प्रोडक्शन जिन्होंने फिफ्थ मूवी प्रोड्यूस की है एंड इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में बात करें तो फर्स्ट एंड सेकेंड मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं मैंडरिन फिल्म थर्ड मूवी के पैगस मोशन पिक्चर्स फोर्थ मूवी के यूनिवर्सल स्टूडियोज एंड फिफ्थ मूवी के हैं वेल गो यू एस ए इसकी जो रिलीज़ डेट है वो टू एंड एट से लेकर अभी तक चल रही है क्योंकि इसकी जो सेवेंथ मूवी आने वाली है वो हमें बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी एंड इसकी जो है अगर हमें इसकी पाँचों मूवीज़ देखनी है तो उसका कलेक्टिव रन टाइम है फाइव हंड्रेड एंड थर्टी फोर मिनट्स का एंड इसमें जो है हमें चाइनीज़ लैंग्वेज देखने को मिलती है काफ़ी हद तक एंड ऑबियसली यह इंग्लिश में तो अवेलेबल है ही सही एंड इसका जो बजट रहा है कलेक्टिव फाइव फिल्म का वो फो वन हंड्रेड एंड फोटी मिलियन डॉलर्स का रहा है एंड बॉक्स ऑफिस पर इन पाँचों मूवीज़ का कलेक्टिव ग्रॉस कलेक्शन रहा है फोर हंड्रेड एंड ट्वेंटी सिक्स मिलियन डॉलर्स एंड आई पी मैन जो फाइव है उसकी अनाउंसमेंट मैंडरिन मोशन पिक्चर्स के द्वारा कैनन फिल्म फेस्टिवल में की गई थी एंड डियोन यन ने बताया कि हर फिल्म अपने एक यूनिक थीम के साथ आती है जैसे कि फर्स्ट मैन फिल्म सर्वाइवल के सेकेंड मैन फिल्म ने फोकस किया था मेकिंग अ लिविंग एंड अडेप्टिंग पे थर्ड ने फोकस किया है लाइफ यानी खुद की लाइफ पर फोर्थ फिल्म को इप की फोर्थ फिल्म में इप की डेथ के साथ आखिरी फिल्म बताया गया था लेकिन फिफ्थ फिल्म मई 2023 में रिलीज हुई थी जो कि इसकी एक स्पिन ऑफ सीरीज स्पिन ऑफ मूवी थी तो अब इस मूवी से रिलेटेड और कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन तो नहीं आई है अगर आती है तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर से बनाऊंगा। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें और अगर इस मूवी से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें मैं उनके जवाब ज़रूर से दूँगा और अगर इससे रिलेटेड कोई थ्योरी या कोई प्रोडिक्शन है कि एक सेवेंथ इंस्टॉलमेंट के रूप में हमें देखने को मिलेगी जो कि इस सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं इप इपमैन नाम के एक व्यक्ति जो कि चाइना में रहते हैं मार्शल आर्ट्स के टीचर थे जिन्हें जिन्होंने ब्रूसली को भी मार्शल आर्ट्स सिखाई थी इनका जो जन्म है वो फर्स्ट अक्टूबर नाइनटीन सॉरी एटीन थ्री को और इनकी जो मृत्यु है 79 नाइन के एज में सेकेंड दिसंबर नाइनटीन सेवेंटी टू में हांगकांग में हुई थी अब मैं आपको इनकी अन्य मूवीज़ के बारे में बताना चाहूँगा जिससे आपको यह अंदाज़ा लग जाएगा कि यह मूवी कितनी शानदार हो सकती है या फिर आप इस मूवी से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं इसकी अभी तक में पांच मूवीज़ तो रिलीज़ हो चुकी हैं जो हैं इप मैन जो कि 2008 में आई एंड जो कि अपने बाद तीन सीक्वल्स और आई जिसे अपमैन टू टू थाउजेंड टेन अप मैन थ्री टू थाउजेंड फिफ्टीन एंड इसके अलावा अपमैन फोर द फाइनल 2019 में आई इसी के साथ इसकी जो है स्पिन ऑफ मास्टर जैड अपम लेगेसी 2018 में आई थी एंड अगर हम बात करें इस की कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स के बारे में जैसे कि इसके डायरेक्टर एंड राइटर कौन कौन थे तो अगर हम बात करें इसकी फर्स्ट मूवी के डायरेक्टर हैं विल्सन येप एंड यू एन पिंग और अगर हम बात करें इसकी कलेक्टिव रूप में तो इसके जो फर्स्ट मूवी है एंड थर्ड मूवी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड मूवी इनके जो हैं डायरेक्टर रहे हैं विल्सन यिप एंड फिफ्थ मूवी के भी डायरेक्टर आल्सो विल्सन यिप हैं एंड फोर्थ मूवी है, है यू एन वू पिंग ने डायरेक्ट की है इसके राइटर्स के बारे में अगर हम देखें तो इसकी जो फर्स्ट मूवी से लेकर फिफ्थ मूवी है वहाँ तक एक राइटर इसमें स्टेबल रहे हैं एडमंड वोंग एंड चान ताईली इसमें एक तो फर्स्ट मूवी उन्होंने लिखी है एंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ मूवी उन्होंने लिखी है एज ए राइटर उन्होंने काम किया है एंड एक इंडिविजुअल राइटर हैं जिन्होंने सिर्फ थर्ड मूवी में काम किया जिनका नाम है जिल लेंग एंड इसके अलावा दो इंडिविजुअल राइटर्स हैं जिन्होंने सिर्फ फिफ्थ मूवी में काम किया उसमें आते हैं डाना फुकाजावा और जिल लेंग लाई एंड यह मूवी मैन के कैरेक्टर्स पर कैरेक्टर पर बेस्ड है जो कि एक रियल लाइफ कैरेक्टर हैं एंड इसके डायरेक्टर्स रहे हैं रैमंड वोंग डॉनी एन एंड विल्सन ये इसमें मेन तो जो कैरेक्टर है उनको प्ले किया है डॉनी एन ने ए, इस इन्होंने फोर्थ मूवी में काम नहीं किया बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फिफ्थ मूवी में इन्होंने ही उस कैरेक्टर को प्ले किया है एंड अगर हम बात करें इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर के बारे में क्योंकि इस मूवी को अपने बहुत ही शानदार सिनेमेटो इफेक्ट्स के लिए भी जाना जाता है तो फर्स्ट मूवी के सिनेमेटोग्राफर हैं ओ सिंग पुई सेकेंड मूवी के है पून, हैं पून हैंग संग थर्ड मूवी के कैनिथ से एंड फिफ्थ मूवी के चैंग से यू एंड अगर हम बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की तो उसमें आते हैं ड्रीम्स सेलून एंटरटेनमेंट कल्चर पैगसस मोशन पिक्चर्स राइर स्टार ब्राइट कम्युनिकेशन सुपर हीरो फिल्म ऑरेंज स्काई गोल्डन हार्वेस्ट मैंडरिन मोशन पिक्चर्स एंड लाइट पिक्चर्स यंग एंड लाइट प्रोडक्शंस एंड इसी के साथ टेन टेन फिल्म प्रोडक्शन जिन्होंने फिफ्थ मूवी प्रोड्यूस की है एंड इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में बात करें तो फर्स्ट एंड सेकंड मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं मैंड फिल्म्स थर्ड मूवी के पैगस मोशन पिक्चर्स फोर्थ मूवी के यूनिवर्सल स्टूडियोज एंड फिफ्थ मूवी के हैं वेल गो यू इसकी जो रिलीज़ डेट है वह टू से लेकर अभी तक चल रही है क्योंकि इसकी जो सेवेंथ मूवी आने वाली है वो हमें बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी एंड इसकी जो है अगर हमें इसकी पांचों मूवीज़ देखनी है तो उसका कलेक्टिव रन टाइम है फाइव हंड्रेड एंड थर्टी फोर मिनट्स का एंड इसमें जो है हमें चाइनीज़ लैंग्वेज देखने को मिलती है काफ़ी हद तक एंड ऑब्वियसली यह इंग्लिश में तो अवेलेबल है ही सही एंड इसका जो बजट रहा है कलेक्टिव फाइव फिल्म्स का वो फो वन हंड्रेड एंड फोर्टी मिलियन डॉलर्स का रहा है एंड बॉक्स ऑफिस पर इन पांचों मूवीज़ का कलेक्टिव ग्रॉस कलेक्शन रहा है फोर हंड्रेड एंड ट्वेंटी सिक्स मिलियन डॉलर्स एंड आई पी मैन जो फाइव है उसकी अनाउंसमेंट मैंड्रेन मोशन पिक्चर्स के द्वारा कैनन फिल्म फेस्टिवल में की गई थी एंड डियोन येन यन ने बताया कि हर फिल्म अपने एक यूनिक थीम के साथ आती है जैसे कि फर्स्ट इपमैन फिल्म सरवाइवल के सेकंड इपमैन फिल्म ने फोकस किया था मेकिंग लिविंग एंड पे थर्ड ने फोकस किया है लाइफ इट्सल्फ यानी खुद की लाइफ पर फोर्थ फिल्म को इप की फोर्थ फिल्म में की डेथ के साथ आखिरी फिल्म बताया गया था लेकिन फिफ्थ फिल्म मई 2023 में रिलीज हुई थी जो कि इसकी एक स्पिन ऑफ सीरीज स्पिन ऑफ मूवी थी तो अब इस मूवी से रिलेटेड और कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन तो नहीं आई है अगर आती है तो मैं उस पर वीडियो जरूर से बनाऊंगा तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन को ऑन कर लें और अगर इस मूवी से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें मैं उनके जवाब ज़रूर से दूंगा और अगर इससे रिलेटेड कोई थ्योरी या कोई प्रडिक्शन है कि, ए, कि एक सेवेंथ इंस्टॉलमेंट के रूप में हमें देखने को मिलेगी जो कि इस सच्ची घटनाओं पर आधारित है इपमैन नाम के एक व्यक्ति जो कि चाइना में रहते हैं मार्शल आर्ट्स के टीचर थे जिन्हें जिन्होंने ब्रूसली को भी मार्शल आर्ट्स सिखाई थी इनका जो जन्म है वो फर्स्ट अक्टूबर नाइनटीन सॉरी एटीन नाइन्टी थ्री को और इनकी जो मृत्यु है सेवेंटी नाइन की एज में सेकेंड दिसंबर नाइनटीन सेवेंटी टू में हांगकांग में हुई थी अब मैं आपको इनकी अन्य मूवीज़ के बारे में बताना चाहूँगा जिससे आपको यह अंदाज़ा लग जाएगा कि यह मूवी कितनी शानदार हो सकती है या फिर आप इस मूवी से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं इसकी अभी तक में पांच मूवीज़ तो रिलीज़ हो चुकी हैं जो हैं इप मैन जो कि 2008 में आई एंड जो कि अपने बाद तीन सीक्वल्स और लाई जिसे अपमैन टू टू थाउजेंड टेन अपमैन थ्री टू एंड इसके अलावा मैन फोर द फाइनल 2019 में आई इसी के साथ इसकी जो है स्पिन ऑफ मास्टर जैड अपमैन लेगसी 2018 में आई थी एंड अगर हम बात करें इस की कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स के बारे में जैसे कि इसके डायरेक्टर एंड राइटर कौन कौन थे तो अगर हम बात करें इसकी फर्स्ट मूवी के डायरेक्टर हैं विल्सन ये एंड यू एन पिंग और अगर हम बात करें इसकी कलेक्टिव रूप में तो इसके जो फर्स्ट मूवी है एंड थर्ड मूवी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड मूवी इनके जो हैं डायरेक्टर रहे हैं विल्सन येप एंड फिफ्थ मूवी के भी डायरेक्टर आल्सो विल्सन यिप हैं एंड फोर्थ मूवी है यू एन वू पिंग ने डायरेक्ट की है इसके राइटर्स के बारे में अगर हम देखें तो इसकी जो फर्स्ट मूवी से लेकर फिफ्थ मूवी है वहाँ तक एक राइटर इसमें स्टेबल रहे हैं एडमंड वोंग एंड चान ताईली इसमें एक तो फर्स्ट मूवी उन्होंने लिखी है एंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ मूवी उन्होंने लिखी है एज ए राइटर उन्होंने काम किया है एंड एक इंडिविजुअल राइटर है जिन्होंने सिर्फ थर्ड मूवी में काम किया जिनका नाम है जिल लेओंग एंड इसके अलावा दो इंडिविजुअल राइटर्स हैं जिन्होंने सिर्फ फिफ्थ मूवी में काम किया उसमें आते हैं डाना फुकाजावा और जिल ले लाई एंड यह मूवी इपमैन के कैरेक्टर्स कैरेक्टर पर बेस्ड है जो कि एक रियल लाइफ कैरेक्टर हैं एंड इसके डायरेक्टर्स रहे हैं रैमंड वोंग, डॉनी एन एंड विल्सन ये इसमें मेन तो जो कैरेक्टर है उनको प्ले किया है डॉनी एन ने ए, इस इन्होंने फोर्थ मूवी में काम नहीं किया बाकी फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फिफ्थ मूवी में इन्होंने ही उस कैरेक्टर को प्ले किया है एंड अगर हम बात करें इस मूवी के सिनेमाटोग्राफर के बारे में क्योंकि इस मूवी को अपने बहुत ही शानदार सिनेमेटो इफेक्ट्स के लिए भी जाना जाता है तो फर्स्ट मूवी के सिनेमेटोग्राफर हैं ओ सिंग पुई सेकेंड मूवी के है पून, हैं पून हैंग संग थर्ड मूवी के कैनिथ से एंड फिफ्थ मूवी के चेंग से यू एंड अगर हम बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की तो उसमें आते हैं ड्रीम्स सेलून एंटरटेनमेंट कल्चर पैगस मोशन पिक्चर्स राइर स्टार ब्राइट कम्युनिकेशन सुपर हीरो फिल्म ऑरेंज स्काई गोल्डन हार्वेस्ट मैंडरिन मोशन पिक्चर्स एंड लाइट पिक्चर्स यंग एंड लाइट प्रोडक्शंस एंड इसी के साथ टेन टेन फिल्म प्रोडक्शन जिन्होंने फिफ्थ मूवी प्रोड्यूस की है एंड इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में बात करें तो फर्स्ट एंड सेकेंड मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं मैंडरन फिल्म थर्ड मूवी के पैगसस मोशन पिक्चर्स फोर्थ मूवी के यूनिवर्सल स्टूडियोज एंड फिफ्थ मूवी के हैं वेल गो यू एस ए इसकी जो रिलीज़ डेट है वह टू थाउजेंड एंड एट से लेकर अभी तक चल रही है क्योंकि इसकी जो सेवेंथ मूवी आने वाली है वो हमें बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी एंड इसकी जो है अगर हमें इसकी पांचों मूवीज़ देखनी है तो उसका कलेक्टिव रन टाइम है फाइव हंड्रेड एंड थर्टी फोर मिनट्स का एंड इसमें जो है हमें चाइनीज़ लैंग्वेज देखने को मिलती है काफ़ी हद तक एंड ऑब्वियसली यह इंग्लिश में तो अवेलेबल है ही सही एंड इसका जो बजट रहा है कलेक्टिव फाइव फिल्म का वो फो वन हंड्रेड एंड फोर्टी मिलियन डॉलर्स का रहा है एंड बॉक्स ऑफिस पर इन पाँचों मूवीज़ का कलेक्टिव ग्रॉस कलेक्शन रहा है फोर हंड्रेड एंड ट्वेंटी सिक्स मिलियन डॉलर्स एंड आई पी मैन जो फाइव है उसकी अनाउंसमेंट मैंडरिन मोशन पिक्चर्स के द्वारा कैनन फिल्म फेस्टिवल में की गई थी एंड डियन येन यन ने बताया कि हर फिल्म अपने एक यूनिक थीम के साथ आती है जैसे कि फर्स्ट अपमैन फिल्म सर्वाइवल के सेकंड अपमैन फिल्म ने फोकस किया था मेकिंग लिविंग एंड पे थर्ड ने फोकस किया है लाइफ इट्सल्फ यानी खुद की लाइफ पर फोर्थ फिल्म को इप की फोर्थ फिल्म में की डेथ के साथ आखिरी फिल्म बताया गया था लेकिन फिफ्थ फिल्म मे ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में रिलीज हुई थी जो कि इसकी एक स्पिन स्पिन ऑफ ऑफ सीरीज मूवी थी तो अब इस मूवी से रिलेटेड और कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन तो नहीं आई है अगर आती है तो मैं उस पर वीडियो जरूर से बनाऊंगा तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन को ऑन कर लें और अगर इस मूवी से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें मैं उनके जवाब ज़रूर से दूंगा और अगर इससे रिलेटेड कोई थ्योरी या कोई प्रडिक्शन है कि ए, एक सेवेंथ इंस्टॉलमेंट के रूप में हमें देखने को मिलेगी जो कि इस सच्ची घटनाओं पर आधारित है इपमैन नाम के एक व्यक्ति जो कि चाइना में रहते हैं मार्शल आर्ट्स के टीचर थे जिन्हें जिन्होंने ब्रूसली को भी मार्शल आर्ट्स सिखाई थी इनका जो जन्म है वो फर्स्ट अक्टूबर नाइनटीन सॉरी एटीन थ्री को और इनकी जो मृत्यु है सेवेंटी नाइन की एज में सेकेंड दिसंबर नाइनटीन सेवेंटी टू में हांगकांग में हुई थी अब मैं आपको इनकी अन्य मूवीज़ के बारे में बताना चाहूँगा जिससे आपको यह अंदाज़ा लग जाएगा कि यह मूवी कितनी शानदार हो सकती है या फिर आप इस मूवी से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं इसकी अभी तक में पांच मूवीज़ तो रिलीज़ हो चुकी हैं जो है इप मैन जो कि 2008 में आई एंड जो कि अपने बाद तीन सीक्वल्स और लाई जिसे अपमैन टू टू थाउजेंड टैन अपम थ्री टू एंड इसके अलावा मैन फोर द फाइनल 2019 में आई इसी के साथ इसकी जो है स्पिन ऑफ मास्टर जैड अपमैन लेगसी 2018 में आई थी एंड अगर हम बात करें इस की कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स के बारे में जैसे कि इसके डायरेक्टर एंड राइटर कौन कौन थे तो अगर हम बात करें इसकी फर्स्ट मूवी के डायरेक्टर हैं विल्सन ये एंड यू एन पिंग और अगर हम बात करें इसकी कलेक्टिव रूप में तो इसके जो फर्स्ट मूवी है एंड थर्ड मूवी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड मूवी इनके जो हैं डायरेक्टर रहे हैं विल्सन यिप एंड फिफ्थ मूवी के भी डायरेक्टर आल्सो विल्सन यिप हैं एंड फोर्थ मूवी है यू एन वू पिंग ने डायरेक्ट की है इसके राइटर्स के बारे में अगर हम देखें तो इसकी जो फर्स्ट मूवी से लेकर फिफ्थ मूवी है वहाँ तक एक राइटर इसमें स्टेबल रहे हैं एडमंड वग एंड चान ताई इसमें एक तो फर्स्ट मूवी उन्होंने लिखी है एंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ मूवी उन्होंने लिखी है एज ए राइटर उन्होंने काम किया है एंड एक इंडिविजुअल राइटर हैं जिन्होंने सिर्फ थर्ड मूवी में काम किया जिनका नाम है जिल लेंग एंड इसके अलावा दो इंडिविजुअल राइटर्स हैं जिन्होंने सिर्फ फिफ्थ मूवी में काम किया उसमें आते हैं डाना फुकाजावा और जिल लेंग लाई एंड यह मूवी के कैरेक्टर्स पर कैरेक्टर पर बेस्ड जो कि एक रियल लाइफ कैरेक्टर हैं एंड इसके डायरेक्टर्स रहे हैं रैमंड वॉन्ग डोनी एन एंड विल्सन ये इसमें मेन तो जो कैरेक्टर है उनको प्ले किया है डोनी एन ने इस इन्होंने फोर्थ मूवी में काम नहीं किया बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फिफ्थ मूवी में इन्होंने ही उस कैरेक्टर को प्ले किया है एंड अगर हम बात करें इस मूवी के सिनेमाटोग्राफर के बारे में क्योंकि इस मूवी को आ, अपने बहुत ही शानदार सिनेमाटो इफ़ेक्ट्स के लिए भी जाना जाता है तो फर्स्ट मूवी के सिनेमेटोग्राफर हैं ओ सिंग पुई सेकेंड मूवी के है पून, हैं पून हैंग संग थर्ड मूवी के कैनिट से एंड फिफ्थ मूवी के चेंग सी एंड अगर हम बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की तो उसमें आते हैं ड्रीम्स सैलून एंटरटेनमेंट कल्चर पैगसस मोशन पिक्चर्स राइर स्टार ब्राइट कम्युनिकेशन सुपर हीरो फिल्म ऑरेंज स्काई गोल्डन हार्वेस्ट मैंडरिन मोशन पिक्चर्स एंड लाइट पिक्चर्स यंग एंड लाइट प्रोडक्शंस एंड इसी के साथ टेन टेन फिल्म प्रोडक्शन जिन्होंने फिफ्थ मूवी प्रोड्यूस की है एंड इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में बात करें तो फर्स्ट एंड सेकेंड मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं मैंड फिल्म थर्ड मूवी के पैगसस मोशन पिक्चर्स फोर्थ मूवी के यूनिवर्सल स्टूडियोज एंड फिफ्थ मूवी के हैं वेल गो यू इसकी जो रिलीज़ डेट है वह टू से लेकर अभी तक चल रही है क्योंकि इसकी जो सेवेंथ मूवी आने वाली है वो हमें बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी एंड इसकी जो है अगर हमें इसकी पाँचों मूवीज़ देखनी है तो उसका कलेक्टिव रन टाइम है फाइव हंड्रेड एंड थर्टी फोर मिनट्स का एंड इसमें जो है हमें चाइनीज़ लैंग्वेज देखने को मिलती है काफ़ी हद तक एंड ऑब्वियसली यह इंग्लिश में तो अवेलेबल है ही सही एंड इसका जो बजट रहा है कलेक्टिव फाइव फिल्म का वो फो वन हंड्रेड एंड फोर्टी मिलियन डॉलर्स का रहा है एंड बॉक्स ऑफिस पर इन पाँचों मूवीज़ का कलेक्टिव ग्रॉस कलेक्शन रहा है फोर हंड्रेड एंड ट्वेंटी सिक्स मिलियन डॉलर्स एंड आई पी मैन जो फाइव है उसकी अनाउंसमेंट मैंडरेन मोशन पिक्चर्स के द्वारा कैनन फिल्म फेस्टिवल में की गई थी एंड डियोन यन ने बताया कि हर फिल्म अपने एक यूनिक थीम के साथ आती है जैसे कि फर्स्ट इपमैन फिल्म सर्वाइवल के सेकंड इपमैन फिल्म ने फोकस किया था मेकिंग लिविंग एंड पे थर्ड ने फोकस किया है लाइफ इट्सल्फ यानी खुद की लाइफ पर फोर्थ फिल्म को इप की फोर्थ फिल्म में की डैथ के साथ आखिरी फिल्म बताया गया था लेकिन फिफ्थ फिल्म मे 2023 में रिलीज हुई थी जो कि इसकी एक स्पिन ऑफ सीरीज स्पिन ऑफ मूवी थी तो अब इस मूवी से रिलेटेड और कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन तो नहीं आई है अगर आती है तो मैं उस पर वीडियो जरूर से बनाऊंगा तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन को ऑन कर लें और अगर इस मूवी से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें मैं उनके जवाब ज़रूर से दूंगा और अगर इससे रिलेटेड कोई थ्योरी या कोई प्रडिक्शन है कि एक सेवेंथ इंस्टॉलमेंट के रूप में हमें देखने को मिलेगी जो कि इस सच्ची घटनाओं पर आधारित है इपमैन नाम के एक व्यक्ति जो कि चाइना में रहते हैं मार्शल आर्ट्स के टीचर थे जिन्हें जिन्होंने ब्रूसली को भी मार्शल आर्ट्स सिखाई थी इनके जो जन्म है वो फर्स्ट अक्टूबर नाइनटीन सॉरी एटीन नाइन्टी थ्री को और इनकी जो मृत्यु है 79 नाइन की एज में सेकेंड दिसंबर नाइनटीन सेवेंटी टू में हांगकांग में हुई थी अब मैं आपको इनकी अन्य मूवीज़ के बारे में बताना चाहूँगा जिससे आपको यह अंदाज़ा लग जाएगा कि यह मूवी कितनी शानदार हो सकती है या फिर आप इस मूवी से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं इसकी अभी तक में पांच मूवीज़ तो रिलीज़ हो चुकी हैं जो हैं इप मैन जो कि 2008 में आई एंड जो कि अपने बाद तीन सीक्वल्स 2010, 2015 और लाई जिसे अपमैन टू टू थाउजेंड टेन अपमैन थ्री टू एंड इसके अलावा मैन फोर द फाइनल 2019 में आई इसी के साथ इसकी जो है स्पिन ऑफ मास्टर जैड अपमैन लेगेसी 2018 में आई थी एंड अगर हम बात करें इस की कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स के बारे में जैसे कि इसके डायरेक्टर एंड राइटर कौन कौन थे तो अगर हम बात करें इसकी फर्स्ट मूवी के डायरेक्टर हैं विल्सन ये एंड यूएन एन पिंग और अगर हम बात करें इसकी कलेक्टिव रूप में तो इसके जो फर्स्ट मूवी है एंड थर्ड मूवी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड मूवी इनके जो हैं डायरेक्टर रहे हैं विल्सन येप एंड फिफ्थ मूवी के भी डायरेक्टर आल्सो विल्सन यिप हैं एंड फोर्थ मूवी है यू एन वू पिंग ने डायरेक्ट की है इसके राइटर्स के बारे में अगर हम देखें तो इसकी जो फर्स्ट मूवी से लेकर फिफ्थ मूवी है वहाँ तक एक राइटर इसमें स्टेबल रहे हैं एडमंड वोंग एंड चान ताई ली इसमें एक तो फर्स्ट मूवी उन्होंने लिखी है एंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ मूवी उन्होंने लिखी है एज ए राइटर उन्होंने काम किया है एंड एक इंडिविजुअल राइटर हैं जिन्होंने सिर्फ थर्ड मूवी में काम किया जिनका नाम है जिल लेंग एंड इसके अलावा दो इंडिविजुअल राइटर्स हैं जिन्होंने सिर्फ फिफ्थ मूवी में काम किया उसमें आते हैं डाना फुकाजावा और जिल लेंग लाई इन एंड यह मूवी मैन के कैरेक्टर्स पर कैरेक्टर पर बेस्ड है जो कि एक रियल लाइफ कैरेक्टर हैं एंड इसके डायरेक्टर्स रहे हैं रैमंड वोंग डॉनी यैन एंड विल्सन ये इसमें मेन तो जो कैरेक्टर है उनको प्ले किया है डॉनी यैन ने ए, इस इन्होंने फोर्थ मूवी में काम नहीं किया बाकी फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फिफ्थ मूवी में इन्होंने ही उस कैरेक्टर को प्ले किया है एंड अगर हम बात करें इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर के बारे में क्योंकि इस मूवी को अपने बहुत ही शानदार सिनेमेटो इफेक्ट्स के लिए भी जाना जाता है तो फर्स्ट मूवी के सिनेमेटोग्राफर हैं ओ सिंग पुई सेकंड मूवी के है पून, हैं पून हैंग संग थर्ड मूवी के कैनिथ से एंड फिफ्थ मूवी के चैंग सी यू क्यों एंड अगर हम बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की तो उसमें आते हैं ड्रीम्स सेलून एंटरटेनमेंट कल्चर पैगस मोशन पिक्चर्स राइर स्टार ब्राइट कम्युनिकेशन सुपर हीरो फिल्म ऑरेंज स्काई गोल्डन हार्वेस्ट मैंडरिन मोशन पिक्चर्स एंड लाइट पिक्चर्स यंग एंड लाइट प्रोडक्शंस एंड इसी के साथ टेन फिल्म प्रोडक्शन जिन्होंने फिफ्थ मूवी प्रोड्यूस की है एंड इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में बात करें तो फर्स्ट एंड सेकेंड मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं मैंडरन फिल्म थर्ड मूवी के पैगस मोशन पिक्चर्स फोर्थ मूवी के यूनिवर्सल स्टूडियोज एंड फिफ्थ मूवी के हैं वेल गो यू एस ए इसकी जो रिलीज़ डेट है वह टू थाउजेंड एंड एट से लेकर अभी तक चल रही है क्योंकि इसकी जो सेवेंथ मूवी आने वाली है वो हमें बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी एंड इसकी जो है अगर हमें इसकी पांचों मूवीज़ देखनी है तो उसका कलेक्टिव रन टाइम है फाइव हंड्रेड एंड थर्टी फोर मिनट्स का एंड इसमें जो है हमें चाइनीज़ लैंग्वेज देखने को मिलती है काफ़ी हद तक एंड ऑब्वियसली यह इंग्लिश में तो अवेलेबल है ही सही एंड इसका जो बजट रहा है कलेक्टिव फाइव फिल्म का वो फो वन हंड्रेड एंड फोर्टी मिलियन डॉलर्स का रहा है एंड बॉक्स ऑफिस पर इन पाँचों मूवीज़ का कलेक्टिव ग्रॉस कलेक्शन रहा है फोर हंड्रेड एंड ट्वेंटी सिक्स मिलियन डॉलर्स एंड आई पी मैन जो फाइव है उसकी अनाउंसमेंट मैंडरिन मोशन पिक्चर्स के द्वारा कैनन फिल्म फेस्टिवल में की गई थी एंड डी येन यन ने बताया कि हर फिल्म अपने एक यूनिक थीम के साथ आती है जैसे कि फर्स्ट इपमैन फिल्म सरवाइवल के एप इपमैन फिल्म ने फोकस किया था मेकिंग अ लिविंग एंड पे थर्ड ने फोकस किया है लाइफ इट यानी खुद की लाइफ पर फोर्थ फिल्म को इप की फोर्थ फिल्म में की डेथ के साथ आखिरी फिल्म बताया गया था लेकिन फिफ्थ फिल्म मे 2023 में रिलीज हुई थी जो कि इसकी एक स्पिन ऑफ सीरीज स्पिन ऑफ मूवी थी तो अब इस मूवी से रिलेटेड और कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन तो नहीं आई है अगर आती है तो मैं उस पर वीडियो जरूर से बनाऊंगा तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन को ऑन कर लें और अगर इस मूवी से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें मैं उनके जवाब ज़रूर से दूंगा और अगर इससे रिलेटेड कोई थ्योरी या कोई प्रडिक्शन है कि एक सेवेंथ इंस्टॉलमेंट के रूप में हमें देखने को मिलेगी जो कि इस सच्ची घटनाओं पर आधारित है इपमैन नाम के एक व्यक्ति जो कि चाइना में रहते हैं मार्शल आर्ट्स के टीचर थे जिन्हें जिन्होंने बुरूसली को भी मार्शल आर्ट्स सिखाई थी इनका जो जन्म है वो फर्स्ट अक्टूबर नाइनटीन सॉरी एटीन नाइन्टी थ्री को और इनकी जो मृत्यु है सेवनटी नाइन की एज में सेकेंड दिसंबर नाइनटीन सेवेंटी टू में हांगकांग में हुई थी अब मैं आपको इनकी अन्य मूवीज़ के बारे में बताना चाहूँगा जिससे आपको यह अंदाज़ा लग जाएगा कि यह मूवी कितनी शानदार हो सकती है या फिर आप इस मूवी से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं इसकी अभी तक में पांच मूवीज़ तो रिलीज़ हो चुकी हैं जो है मैन जो कि 2008 में आई एंड जो कि अपने बाद तीन सीक्वल्स और लाई जिसे अपमैन टू टू थाउजेंड टेन अपमैन थ्री टू एंड इसके अलावा मैन फोर द फाइनल 2019 में आई इसी के साथ इसकी जो है स्पिन ऑफ मास्टर जैड अपम लेगेसी टू में आई थी एंड अगर हम बात करें इस की कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स के बारे में जैसे कि इसके डायरेक्टर एंड राइटर कौन कौन थे तो अगर हम बात करें इसकी फ़र्स्ट मूवी के डायरेक्टर हैं विल्सन येप एंड यू एन पिंग और अगर हम बात करें इसकी कलेक्टिव रूप में तो इसके जो फर्स्ट मूवी है एंड थर्ड मूवी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड मूवी इनके जो हैं डायरेक्टर रहे हैं विल्सन येप एंड फिफ्थ मूवी के भी डिल डायरेक्टर ऑल्सो विल्सन गिप हैं एंड फोर्थ मूवी है, है यू एन वू पिंग ने डायरेक्ट की है इसके राइटर्स के बारे में अगर हम देखें तो इसकी जो फर्स्ट मूवी से लेकर फिफ्थ मूवी है वहाँ तक एक राइटर इसमें स्टेबल रहे हैं एडमंड वोंग एंड चान ताई इसमें एक तो फर्स्ट मूवी उन्होंने लिखी है एंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ मूवी उन्होंने लिखी है एज ए राइटर उन्होंने काम किया है एंड एक इंडिविजुअल राइटर हैं जिन्होंने सिर्फ थर्ड मूवी में काम किया जिनका नाम है जिल लेंग एंड इसके अलावा दो इंडिविजुअल राइटर्स हैं जिन्होंने सिर्फ फिफ्थ मूवी में काम किया उसमें आते हैं डाना फुकाजावा और जिल लेंग लाई एंड यह मूवी मैन के कैरेक्टर्स character पर कैरेक्टर पर बेस्ड है जो कि एक रियल लाइफ कैरेक्टर हैं एंड इसके डायरेक्टर्स रहे हैं रेमंड वोंग येन एंड विल्सन ये इसमें मेन तो जो कैरेक्टर है उनको प्ले किया है डॉनी येन ने इस इन्होंने फोर्थ मूवी में काम नहीं किया बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फिफ्थ मूवी में इन्होंने ही उस कैरेक्टर को प्ले किया है एंड अगर हम बात करें इस मूवी के सिनेमाटोग्राफर के बारे में क्योंकि इस मूवी को अपने बहुत ही शानदार सिनेमेटो इफ़ेक्ट्स के लिए भी जाना जाता है तो फर्स्ट मूवी के सिनेमाटोग्राफर हैं ओ सिंग पुई सेकंड मूवी के हैं पून हैंग संग थर्ड मूवी के कैनिट से एंड फिफ्थ मूवी के चेंग सी के अगर हम बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की तो उसमें आते हैं ड्रीम्स सेलून एंटरटेनमेंट कल्चर पैगस मोशन पिक्चर्स राइर स्टार ब्राइट कम्युनिकेशन सुपर हीरो फिल्म ऑरेंज स्काई गोल्डन हार्वेस्ट मैंडरिन मोशन पिक्चर्स एंड लाइट पिक्चर्स यंग एंड लाइट प्रोडक्शंस एंड इसी के साथ टेन टेन फिल्म प्रोडक्शन जिन्होंने फिफ्थ मूवी प्रोड्यूस की है एंड इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में बात करें तो फर्स्ट एंड सेकेंड मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं मैंडरिन फिल्म थर्ड मूवी के पैगस मोशन पिक्चर्स फोर्थ मूवी के यूनिवर्सल स्टूडियोज एंड फिफ्थ मूवी के हैं वेल गो यू एस ए इसकी जो रिलीज़ डेट है वो टू एंड एट से लेकर अभी तक चल रही है क्योंकि इसकी जो सेवेंथ मूवी आने वाली है वो हमें बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी एंड इसकी जो है अगर हमें इसकी पाँचों मूवीज़ देखनी है तो उसका कलेक्टिव रन टाइम है फाइव हंड्रेड एंड थर्टी फोर मिनट्स का एंड इसमें जो है हमें चाइनीज़ लैंग्वेज देखने को मिलती है काफ़ी हद तक एंड ऑब्वियसली यह इंग्लिश में तो अवेलेबल है ही सही एंड इसका जो बजट रहा है कलेक्टिव फाइव फिल्म्स का वो फो वन हंड्रेड एंड फोर्टी मिलियन डॉलर्स का रहा है एंड बॉक्स ऑफिस पर इन पांचों मूवीज़ का कलेक्टिव ग्रॉस कलेक्शन रहा है फोर हंड्रेड एंड ट्वेंटी सिक्स मिलियन डॉलर्स एंड आई पी मैन जो फाइव है उसकी अनाउंसमेंट मैंडरिन मोशन पिक्चर्स के द्वारा कैनन फिल्म फेस्टिवल में की गई थी एंड डियोन यन ने बताया कि हर फिल्म अपने एक यूनिक थीम के साथ आती है जैसे कि फर्स्ट मैन फिल्म सर्वाइवल के सेकेंड मैन फिल्म ने फोकस किया था मेकिंग अ लिविंग एंड अडेप्टिंग पे थर्ड ने फोकस किया है लाइफ यानी खुद की लाइफ पर फोर्थ फिल्म को इप की फोर्थ फिल्म में इप की डेथ के साथ आखिरी फिल्म बताया गया था लेकिन फिफ्थ फिल्म मई 2023 में रिलीज हुई थी जो कि इसकी एक स्पिन ऑफ सीरीज स्पिन ऑफ मूवी थी तो अब इस मूवी से रिलेटेड और कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन तो नहीं आई है अगर आती है तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर से बनाऊंगा तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें और अगर इस मूवी से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें मैं उनके जवाब ज़रूर से दूँगा और अगर इससे रिलेटेड कोई थ्योरी या कोई प्रोडिक्शन है कि इस आईपे मैन सेवन मूवी में क्या क्या हो सकता है तो आप वह भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें तो इसी के साथ आपका धन्यवाद मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई मूवी के साथ